তারা স্থির করেছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে কর্ণাটক পৌঁছবেন পায়ে হেঁটেই সেই মতো কৃষ্ণনগর থেকে পায়ে হেঁটেই কর্ণাটকের উদ্দেশ্যে তারা রওনা দেন শিশু ও মহিলা মিলে মোট রয়েছেন তিরিশ জনের সদস্য কৃষ্ণনগর এলাকায় প্লাস্টিকের জিনিস বিক্রি করেই তাদের দিন চলছিল করোনার জেরে লকডাউন শুরু হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন তারা তাই বাধ্য হয়েই কোনো গাড়ি না পেয়ে কৃষ্ণনগর থেকেই পায়ে হাঁটা শুরু করেছিলেন তিরিশ জনের ওই দলটি কৃষ্ণনগর থেকে কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজা পর্যন্ত রাস্তার মাঝেই কোথাও মিলেছে গাড়ি কোথাও বা পায়ে হেঁটেই তারা পথ অতিক্রম করে বৃহস্পতিবার রাত্রে কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজায় এসে পৌঁছয় কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজায় অতগুলি মানুষের ভিড় জমতে দেখে স্থানীয়রা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে গোটা বিষয়টি জানতে পেরে তারা কাঁকসা থানার পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে প্রথমে পানাগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসার পর পানাগড় বাজার গুরুদুয়ারা কমিটির সদস্যদের সাথে কথা বলে গুরুদুয়ারায় থাকার ব্যবস্থা করেন কাকসা থানার পুলিশ কর্মীরা যদিও পানাগড় বাজারের গুরুদুয়ারা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ওই অসহায় পরিবারগুলির জন্য তারা সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেছেন

उधर हम लोगों का हम लोग परदेश आदमी है हर साल आते हैं हम लोग बाल बच्चा लेके महीना चार महीना पाँच दस छ महीना हम लोग गुजारा बस करते हैं फिर वापस चले जाते हैं फिर अचानक ऐसा दुर्घटना हो गया ये वायरस की वजह से हम लोग को भी, भी नहीं समझा कुछ तो तो उस वजह से हम लोग भी फंस गए घर जा नहीं पा रहे हम लोग गाड़ी मोटर सब बंद हो गया कहाँ घर है आप लोग बीजापुर जिला पड़ता है कर्नाटक कर्नाटक जी कर्नाटक स्टेट में जा कैसे जा रहे थे आप लोग अभी हम लोग अभी कुछ कुछ साधन नहीं मिल रहा है तो कैसे जा सकते हैं हाँ पैदल, पैदल जा 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 जो तो वही कैसे, जा, कैसे जा रहे थे आप लोग पैदल कितने दिन आप लोग निकले कब अभी एक हफ्ता हो गए सर निकले थे हाँ एक हफ्ता पैदल पैदल आ रहे थे सात आठ दिन से खाना नहीं पीना नहीं कुछ नहीं और पुलिस पुलिस बाबू लोग जो जो है Uh, हम लोग अगर ट्रक को बस को कुछ हाथ करते थे नहीं रुकते थे वो लोग थोड़ा बहुत हाथ कर देते थे उसमें बेटा क्या हम लोग कोई बीस माइल कोई तीस किलोमीटर कोई पैंतीस किलोमीटर चालीस किलोमीटर किलो ऐसा उतार देते थे अच्छा फिर वहाँ पे हम लोगों को पल्लिक भी तंग करने लगते थे हम लोगों को और पुलिस बाबू लोग भी जाओ तुम्हारा रास्ता काटो तुम्हारा रास्ता देखो, देखो या ऐसा बोल रहे थे फिर यहाँ कैसे आ गया आप लोग यहाँ पे हम लोग जो अपना क्या जो चेक पोस्ट है ना जी वही पे रात में हम लोग वही पे आके पड़े हैं सुबह में सब लोगों को पता चल गया की भाई लोग परदेसी आदमी है क्या है देखे चले पूछताछ किया और बता दिए कि भाई हम लोगों का हालत ऐसा हो गया है तो पुलिस बाबू लोग सब जमा हो गए ये जो जो गेट वाला है कुछ है हम लोगों को मदद मिल गया यहाँ पे आने का यहाँ पे रहने का कोई इंतजाम कर दिया अभी जी हाँ कर दिया साहब क्या 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 क्या, 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 क्या इंतजाम खाना पीना सब रहने के लिए जगह बस इतना ही मेरा नाम कृष्णा लक्ष्मण भोसले है से हम लोग ऐसे से आए क्या करते थे हम लोग प्लास्टिक के बर्तन बेचते हैं प्लास्टिक के बर्तन तो उधर दो सब बंद हो गया हाँ उधर बंद बंद हो गया खाली हम लोग घर जाने का तैयारी कर रहे थे हम लोग अच्छा तैयारी कर रहे थे हम लोग दो तीन हम बोले दो तीन दिन में गाड़ी चालू हो जाएंगे अरे इतना बस बीस पच्चीस दिन चालू होने की कोई उम्मीद नहीं थी इसलिए हम लोग दो तीन दिन के बाद अपना देश जा रहे थे उधर रहने का कोई जगह नहीं था जगह है तो हम लोग रुके नहीं हम लोग जाने का विचार था हमारा हमारा नाम है जना भाई जना भाई मालवीय हम लोग बड़ा बाबू है ना जो का थाना के हुँ। हुँ। वो हम लोग को ले इनको लेके आए थे और साथ में जितेंद्र सिंह सिका और समाज सेवी हरजीत सिंह निक्की वो लोग यहाँ लेके आए थे कि चलो भाई अगर इन जब तक ये प्रॉब्लम रहेगा यहाँ रह सकते हैं और खाने पीने का व्यवस्था भी गुरुद्वारा की तरफ से लोगों का किया गया है ये तीस से बत्तीस बच्चे और लेडीज लेके हैं अच्छा हरबंस सिंह